So today, let's understand overdeveloped state. So in theory of states, we read post-colonial state, theory of post-colonial state. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको दो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दूसरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में भी हमारे दो अप्रोचेज हैं, पहला इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच और दूसरा स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। अब इसमें जाने से पहले हम लोग पहले देख लें कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हम लोग बोल किसको रहे हैं। तो ऐसे स्टेट्स जिनका कॉलोनियल पास्ट है या फिर वो अभी भी इनहेरिट करते हैं कॉलोनियल लिगेसी को, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, नेपाल, ये सब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं। अगर हम लोग घाना के प्रेसिडेंट क्वामे निकुरमा अगर इनके वर्ड्स में देखेंगे तो ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स बोलते हैं ऐसे स्टेट्स को जो अभी भी न्यू कॉलोनियलिज्म के अंडर है एंड न्यू इम्पेरियलिज्म के अंडर है। अब न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इम्पेरियलिज्म का क्या मतलब है कि कॉलोनियलिज्म तो अभी भी ख़त्म हो गया, बट अभी क्या हो रहा है, जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को अभी भी कंट्रोल करती हैं। किसके थ्रू? पहले डायरेक्ट कंट्रोल था, बट अगर अभी देखेंगे तो वो MNCs के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर आप देखेंगे FDIs के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इनके थ्रू आज भी वो इन कंट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो उन ये है न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इम्पीरियलिज्म। सो घाना के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ऐसे स्टेट्स जो अंडर हैं न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इम्पीरियलिज्म के अंडर, वो हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो अभी हम आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में, दो पर्सपेक्टिव हैं, दो अप्रोचेज हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच में हम लोग पढ़ते हैं डेवलप्ड स्टेट और अंडर डेवलप्ड स्टेट, बट आज हमें पढ़ना है ओवर डेवलप्ड स्टेट। तो ये हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच में, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटेक्स्ट देखेंगे तो जो ये थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट है, वो हमजा अलवी, एक पाकिस्तान के मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, उन्होंने दिया था। अब ये पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, बट अगर हम लोग देखेंगे तो ये ओवर डेवलप्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल अभी भी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ एशियन स्टेट्स, इन सभी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये भी कॉलोनियल स्टेट्स रहे थे कभी, ठीक है। तो अगर हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉलोनियल स्टेट का, सॉरी ओवर डेवलप्ड स्टेट का, तो इसका मतलब है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो जैसे मार्क्सिस्ट एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो मार्क्स वहाँ पे क्या करता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या करता है, दो स्ट्रक्चर्स बोलता है, एक बेस और एक सुपर स्ट्रक्चर। सो बेस में वो क्या रखता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस ये क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर में वो बाकी सारे एलिमेंट्स को रखता है, जैसे स्टेट हो गया, रिलीजन हो गया, चर्च हो गया, तो इन सब को वो सुपर स्ट्रक्चर में रखता है और बोलता है जी जो भी बेस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा वही सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगा, जैसे स्टेट। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टेट, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है स्टेट, वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसका क्या कहने का मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में, अगर आप देखोगे तो वो अभी भी ट्रेडिशनल है, फ्यूडल है। बट अगर आप देखेंगे उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो दैट इज़ वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऐसा क्यों है? तो हमजा अलवी बोलते हैं कि यार ये ना कॉलोनियल मास्टर से इम्पोज किया गया है। मीन्स जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उसमें ऑर्गेनिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है, स्टेट की ऑर्गेनिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये इम्पोज किया गया है कॉलोनीज़ में। अगर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होती तो दोनों सेम रहते। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे वेस्टर्न स्टेट्स को वर्सेस कॉलोनियल स्टेट्स को, सो लेट्स टेक एग्जांपल, वेस्टर्न स्टेट्स में हम लोग यूके रखेंगे और कॉलोनियल स्टेट्स में इंडिया रख लेते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट होने से पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था। सो यूके में अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम का अगर हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो 1600 समथिंग से लेके अभी तक, अगर आप 21st सेंचुरी तक अगर देखोगे तो लगभग उसने 400-500 साल लिए हैं डेवलप होने के लिए। बट अगर कॉलोनियल स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो इसको जस्ट इम्पोज कर दिया गया, इसको कुछ टाइम नहीं दिया कि ऑर्गेनिकल डेवलपमेंट हो पाए। इसलिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जस्ट इम्पोज कर दिया, उसकी वजह से वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ज़्यादा डेवलप्ड का मतलब है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, एंड स्टेट के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों था? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ऐसा करने में, बिकॉज उनको क्या करना था, उनको यहाँ से बस प्रॉफिट लेना था। सो उनको ये एजेंसीज जो थी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सबको पावर देनी थी ताकि वो यहाँ पे रूल कर पाएँ, यहाँ से प्रॉफिट ले पाएँ। सो बाकी सारे फीचर्स जो हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, वो तो हम लोगों ने इम्पोज कर लिए अपने ऊपर, मीन्स कॉलोनियल मास्टर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए। बट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अभी भी हमारा वही फ्यूडल, ट्रेडिशनल और फ्यूडल रह गया। सो हमजा अलवी अगर हम देखते हैं, वो तो स्टेट को बोनापार्टिक स्टेट कहते हैं। अब बोनापार्टिस्टिक स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। वही वाली बात है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है वो ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हुआ, इट वॉज इम्पोज्ड ऑन द पॉपुलेशन बाय कॉलोनियल मास्टर्स। सो हमजा अलवी ये भी कहते हैं, इनफैक्ट जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं वो कॉलोनियल स्टेट से भी ज़्यादा डेवलप्ड है। अब ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आज भी कंट्रोल करती हैं या फिर इंडिपेंडेंस के बाद कंट्रोल की देश को, तो इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके कारण क्या हुआ, उन्हें लेजिटिमेसी मिली। लेजिटिमेसी मिलने के कारण उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, इतना डेवलप्ड कर लिया। और दूसरा ये कि जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने जो फॉलो किया ना, वो स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल था। स्टेट लेड डेवलपमेंट का मतलब है कि बाहर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं हुआ, स्टेट सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। अब इसी में हमजा अलवी बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे स्टेट ने इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्वायर कर लिया, उसके पास इतना इकोनॉमिक रिसोर्स है, दैट लेड टू अब ये करप्शन, वायलेंस, ये सब का कारण बन गया। सो ओवर डेवलप्ड स्टेट को वो बोलते हैं कि ये हाईली ब्यूरोक्रेटिक, और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बोलते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। इसका मतलब है जैसे वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आर्मी, इसलिए उसको बोलते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। अब अगर हम लोग रीज़न देखेंगे कि ऐसा अभी भी क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि वेस्टर्न नेशंस का अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ वो
बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं एंड वो स्टेट्स को कंट्रोल करती हैं। अगर आप वेस्टर्न स्टेट में अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। 1960s में आप देखोगे तो बहुत सारी मूवमेंट्स हो गई थी। 2008 में देखोगे इकोनॉमिक रिसेशन के बाद वहाँ पे मूवमेंट हुई, वो सब कैरी आउट कर रहे थे सिविल सोसाइटीज़। तो वो कंट्रोल में रखती हैं स्टेट्स को। बट अगर आप कॉलोनियल स्टेट्स में देखोगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, तो सिविल सोसाइटीज़ इतना एक्टिव नहीं है। अब सिविल सोसाइटीज़ एक्टिव नहीं है तो नो वन इज़ देयर टू कंट्रोल द स्टेट। सो फाइनली वो बोलते हैं, हमजा अलवी बोलते हैं कि ओवर डेवलप्ड स्टेट जो है वो तीन क्लासेस को फेवर करता। अब वो कौन कौन से तीन क्लासेस हैं? इंडिजीनियस फ्यूडल क्लासेस, इंडिजीनियस बोर्जुआ क्लास और मेट्रोपॉलिटन बोर्जुआ क्लास, दैट इज कैपिटलिस्ट फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट्स। तो इसी में हम लोग, ये जो हमारा इंडिया का 1991 का रिफॉर्म था, ये इसलिए लिया गया कि स्टेट और सोसाइटी जो हैं वो सिमिलर पेस के साथ ग्रोथ करें, सिमिलर पेस के साथ ग्रोथ करें। सो अगर हम लोग फाइनली देखें कि ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या है, ओवर डेवलप्ड स्टेट वो है जिसका जो सुपर स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टेट इज मोर डेवलप्ड विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये है क्यों? क्योंकि कॉलोनियल मास्टर्स ने जस्ट इम्पोज किया है एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने इंटरेस्ट के लिए एंड हाईली सेंट्रलाइज रखा उसको। और इसमें वो उसको बोनापार्टिक स्टेट बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को बोलते हैं कि ऑर्गेनिकली डेवलप्ड नहीं हुआ है, जस्ट इम्पोज कर दिया। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है वो कॉलोनियल स्टेट से भी ज़्यादा डेवलप्ड है। अब इनके रीजंस ये दे रखे हैं उन्होंने कि फ्रीडम मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, जो उनको लेजिटिमेसी दिया हेजेमनी रखने के लिए अपनी,